जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़े बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं आपसे रिएक्शन लूंगा उत्तराखंड में हरीश रावत की हार हुई है उस पर। सबसे पहले मनोज तिवारी जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है सर, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर तो मैं आपसे रिएक्शन लूंगा ही, लेकिन उत्तराखंड से बड़ा अपडेट यह है कि हरीश रावत चुनाव हार गए। जी जी, अभी मुझे आपके चैनल से पता चला और मैं लाल कुआं गया था, हमारे जो मोहन सिंह बिष्ट वहां से जीते हैं, मैं वहां गया था और जब मैं गया था तभी हमें पता चल गया था जिस प्रकार से लाल कुआं में लोग इकट्ठे हुए थे एक 25 कॉलोनी में, तो मैं लाल कुआं के लोगों को प्रणाम करता हूं और उत्तराखंड ने स्पष्ट संकेत दिया है। और देखिए, यह हरीश रावत की हार नहीं है, यह हार कांग्रेस की है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की है और निश्चित रूप से कांग्रेस ने जितना गलतियां किया है वो चाहे अपने प्रदेशों में जी, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो संसद को रोकने में, ये सारा परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। शायद राहुल गांधी जी को ये समझ में आए कि उनको इस देश के लोगों का मिजाज समझना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज जी, 10 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड से अनुपम त्रिवेदी, वो देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए और हरीश रावत पर ही कुछ अपडेट दे रहे हैं। अनुपम जी, अच्छा अनुपम जी को आवाज नहीं मिल पा रही हमारी, हाँ। लेकिन मनोज जी, मैं एक सवाल लेकर आपके पास आ जाता हूँ, हरीश रावत पर हमारा आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम यूपी की तरफ आएंगे। हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई, देखिए सर, पंजाब एकमात्र स्टेट था कांग्रेस के पास, वहां से भी सफाया हो गया। इसके अलावा वो उत्तराखंड में भी चेहरा थे कैंपेन कमेटी का, तो इसका मतलब यह है कि कैंपेन कमेटी का चेहरा होने के नाते वहां पर भी उनकी एक बड़ी हार हुई। लाल कुआं से जहां खुद वो प्रत्याशी थे वहां से भी चुनाव हार गए, बहुत बड़ी चिंता की बात है उनके लिए। निश्चित रूप से चिंता की बात है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने हरीश रावत जी को भी कभी सम्मान नहीं दिया। और मैं जब लालकुआ गया था तो भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम, नरेंद्र मोदी जी का भेजा हुआ सुविधा, ये उत्तराखंड के देवभूमि में हर 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 गांव घर में इसकी चर्चा का विषय था। मैं जब गया था तभी मुझे लोगों ने कहा था लाल कुआं से मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे मनोज, तो मैं प्रचार तो कर रहा था, लेकिन हरीश रावत जी हार जाएंगे ऐसा तो सोचा नहीं था। लेकिन जनता किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के सुशासन से खुश है उसका ये सब प्रमाण है। मैं तो सिंपली विनम्रता से उत्तराखंड को धन्यवाद दे रहा हूँ। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी की जो एक नई राजनैतिक संस्कृति जो शुरू की है उन्होंने, ये उसकी जीत है। जहां उद्देश्य है गरीबों के घर तक सरकार पहुंचे, सबके साथ एक प्रकार का व्यवहार हो।